अभी अभी मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को लेकर एक बुरी खबर सामने आई। 75 साल के मिथुन चक्रवर्ती को ब्रेन स्ट्रोक आया। 10 फरवरी को अचानक उनके सीने में दर्द उठा, हल्की हल्की बेचैनी महसूस हो रही थी। तबियत बिगड़ने से पहले उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने सीरियस बात बता दी। फिलहाल उनकी तबियत कैसी है इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं सामने आई, लेकिन कहा जा रहा है उनकी हालत बहुत सीरियस है। एक्टर पॉलिटिशियन मिथुन चक्रवर्ती को लेकर जो खबर सामने आई, उसके बाद देश भर में उनकी हेल्थ को लेकर चिंता की जा रही है। एक्टर को सीने में दर्द उठा था और फौरन ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है उनका निचली हिस्सा बहुत कमजोर हो चुका है और वो अपने बेड से उठ भी नहीं पा रहे, मुंह से आवाज भी नहीं आ रही है। मिथुन चक्रवर्ती को हाल में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण मिलने के बाद उन्होंने खुशी जताते हुए कहा था, ये पुरस्कार पाकर खुश हूँ, मैं सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ एक और मिथुन चक्रवर्ती के हेल्थ को लेकर हर कोई चिंता कर रहा है, उनकी सीरियस हालत को लेकर हर कोई इमोशनल भी हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बहू को लेकर भी अभी अभी एक स्टेटमेंट सामने आया। बहू ने हैरानी जताई है, उन्होंने इसे अफवाह भी बताया है। अब क्या बात सही है जल्द ही पता चल जाएगा। देश भर में मिथुन चक्रवर्ती की खराब हालत को लेकर कोहराम मच गया। लोग उनकी सेहत को लेकर चिंता करने लगे। जब उनके ब्रेन स्ट्रोक की खबर सामने आई तो हर कोई उनकी सेहत की दुआएं करते दिखाई दिया। इसी बीच खबर आई कि उनकी हालत सीरियस भी है, लेकिन अभी अभी खबर आ रही है कि वो आईसीयू से बाहर आ चुके हैं। जहां एक तरफ पूरा देश उनकी सेहत को लेकर कामना कर रहा है, तो उनकी बहू ने एक बड़ी जानकारी दी है और इन सभी को अफवाह बता दिया है। बहू मदालसा शर्मा ने कहा, हाँ पिताजी हॉस्पिटल में जरूर गए थे और वो भर्ती भी थे, आईसीयू में भी थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप बोलेंगे, वो सिर्फ एक रूटीन चेकअप के लिए गए थे और ये सब अफवाहें कौन फैला रहा है। दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोहा ने भी ये क्लियर कर दिया है कि पिताजी अब ठीक है और आईसीयू से भी बाहर आ चुके। नियमित शुगर लेवर जांच के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, अब वो रूटीन चेकअप के लिए गए, लेकिन देश भर में उनकी सेहत को लेकर कोहराम मच गया। इतना ही नहीं, लोगों ने उनके निधन तक की खबरें बना दी। कहा जा रहा है कि मिथुन 75 की उम्र में आते आते बहुत कमजोर पड़ चुके हैं, उनका निचला हिस्सा बिल्कुल कमजोर हो चुका है और अब वो उठ के बैठ भी नहीं पाते हैं। बता दें, देश के तीसरे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित मिथुन चक्रवर्ती हिंदी, बंगाली, उड़िया, भोजपुरी और तमिल भाषा की लगभग 350 फिल्मों में काम कर चुके हैं और देश भर में अपनी खास पहचान बना चुके हैं। ऐसे में इतने बड़े सुपरस्टार के मौत की खबर सामने आते ही हर कोई सहम गया। देश भर में सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती की मौत की खबरें बन गई। हाल ही में जिस तरह से पूनम पांडे की मौत की अफवाह आई थी, उसी तरह से यहाँ मिथुन की मौत का भी मजाक बना दिया गया। यहाँ मिथुन की मौत की वजह उनका ब्रेन स्ट्रोक बताया गया। यहाँ भी मिथुन को पूरे देश ने श्रद्धांजलि दे दी। जब ससुर की बीमारी की खबर बहू और एक्ट्रेस मदालसा शर्मा ने देखी तो उनका खून खौल गया। उन्होंने ससुर से उनका हाल चाल तो छोड़िए, उनका मुंह भी नहीं देखा और सबसे पहले इस बीमारी को फैलाने वाले की जमकर क्लास लगा दी, गलत फैमिली को दूर कर दिया। उन्होंने कहा, शर्म करो, पापा रूटीन चेकअप के लिए गए थे और यहाँ आप लोगों ने क्या क्या नहीं कह दिया। हम लोग उनमें से नहीं है जो लाइमलाइट के लिए अपने घर के सदस्य को मार देंगे। मेरे लिए इंसान की जिंदगी बहुत मायने रखती है। और जब मिथुन की बहू का ये स्टेटमेंट सामने आया तो हर किसी के दिल को छू गया। बहू की जानकारी लेने की दिलचस्पी लोगों में बढ़ गई। आपको बता दें, मिथुन की बहू मदालसा शर्मा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, बल्कि अनुपमा सीरियल में काव्या का रोल अदा करती है और सबके दिलों में छा चुकी है। मदालसा टीवी एक्ट्रेस के साथ साथ बॉलीवुड और साउथ फिल्मों में भी काम कर चुकी है। मदालसा शर्मा के ससुर मिथुन ही नहीं सुपरस्टार है, बल्कि उनके पापा सुभाष शर्मा नामी डायरेक्टर हैं, तो माँ शीला शर्मा अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस रह चुकी है।